गाजीपुर में अफसरों ने कोरोना महामारी में लगता है आत्मनिर्भर बनने की ठान ही ली है। तभी तो महामारी के मद में भी आए पैसे पर गिद्ध नजरें लग गईं और घोटाले का एक बड़ा आरोप सामने आया है। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले में ऑक्सीमीटर व थर्मल स्क्रीनिंग मशीन की आपूर्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। ये घोटाला गाजीपुर के अलावा सुल्तानपुर जिले में भी सामने आया है। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घोटाले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। 10 दिनों के भीतर इस जांच की रिपोर्ट को सौंपने का भी निर्देश है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने बताया कि एसआईटी जांच रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के अमित गुप्ता और सचिव नगर विकास एवं एमडी जल निगम विकास गोठलवाल करेंगे। इस जांच की सूचना मिलते ही डीपीआरओ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही करप्शन के आरोप में गाजीपुर के डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह एवं सुल्तानपुर के डीपीआरओ को निलंबित कर दिया गया है। गाजीपुर के डीपीआरओ पर आरोप था कि उन्होंने ग्राम पंचायतों में आपूर्ति होने वाले ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनिंग मशीन महंगे दामों पर खरीदे हैं। इस खरीदारी में डीपीआरओ के अलावा जिले के कुछ दूसरे अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप है कि अधिकारियों ने अपने खास ठेकेदारों से शासन से निर्धारित अधिक मूल्य पर खरीदारी की है। पहले जिले की 1237 ग्राम पंचायतों में हर जगह इस खरीदारी के लिए 5,800 रुपए का बिल पेश किया गया था। जब ग्राम प्रधान संगठन ने इसका विरोध किया और मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा, जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि शासन से निर्धारित मूल्यों पर ही थर्मल स्क्रैनिंग ऑक्सीमीटर की खरीद की जाए। आरोप है कि इसके बावजूद डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने 2800 रुपए के बजाय 2900 रुपए की दर से ग्राम पंचायतों को ये सामग्री उपलब्ध कराई। डीपीआरओ के खिलाफ लगातार प्रधान संगठनों के आंदोलन के बाद डीपीआरओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में दोषी लोग सजा पाते हैं या ये भी जांच केवल कागजी साबित हो जाती है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।